हेलो माय वाइटी फैमिली, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड देवभूमि में और मेरे काजल के व्लॉग्स में। और देखो ये डर के मारे भाग रही है। एक तो इतना प्यारा है, ये देखो वही डॉगी जो है कि एक्सरसाइज भी कर रहा है। जाओ जाओ जाओ। अबे तू क्यों डर रही है उससे? यार दोनों ये देखिए इतने डर रही। अंजलि ऐसा मत करो, मुझे काटेगा इस चक्कर में। तू जिधर जा उधर जा जा जा। वो खुश हो रहा है, उसकी पूंछ हिल रही है इसलिए, है ना? ये सब कितना डर लग रही। उसका भी पार्क है, वो एक्सरसाइज करने आर का। वो देखो ये दोनों डर के मारे नीचे भाग गए। वहां कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता वहां से भी है, पता नहीं है क्या। चलो बाय डॉगी। अब ये हमारे पीछे आने लग गया। अंजलि वहां से नहीं हो गया है। चलो फिर आज इस रास्ते चलते हैं। मैं पहली बार जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं पता है। चलो आज के व्लॉग में ये वाली गलियां भी पहली पहली बार शायद दिखेंगी। मैंने क्या किया? मैंने बुलाया उसको अपने पीछे। ये भाई मुझे क्यों बोल रही? आप सीधा चलो ना। मैंने उसे प्यार किया, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो सीधा चलना यार, वो अपना आप चलता अपना। तो सीधा चलो ना, आ जाओ। इनको तो कुछ ज्यादा डर लग रही उस डॉगी से। डॉगी भी थोड़ी ना सीधा काट देगा यार बिना छेड़े छाड़े। दोस्तों बीच में जाते जाते इन गलियों के बीच में मुझे एक पॉली हाउस भी नज़र आ रहा है और इसके अंदर शायद बहुत सारी सब्जियां बो रखी होंगी। वैसे तो देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये इधर साइड से है और हमारी गली इधर से जा रही है, लेकिन फिर भी दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आखिर इसके अंदर क्या क्या बोया हुआ है। दोस्तों बाहर से तो जो है कि सरसों के फूल लगे हुए हैं और ये साथ में राई वगैरह बो रखी है और अंदर यहाँ से पूरा बंद है पॉली हाउस। दोस्तों ये लोग ना मुझे पता नहीं किस रास्ते ला गए। सीधा आंटी जी के कौन लाया? मैं नहीं लाया, जो भी लाया पर सीधा ऐसे जगह पे जहाँ के आगे कोई रास्ता ही नहीं है। और बाप रे, मैं तभी तो कह रही हूँ मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ और मेरी गली में पहली बार देख रही हूँ। अब सीधा सही तो हुआ, लेकिन जो है कि ये देखिए यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पहुँच गए थे, सीधा यहाँ पहुँचना पड़ रहा है। अब दोस्तों जो है कि टाइम जो बच रहा था अब वो बचेगा नहीं। अब वो पता नहीं यहाँ से चलते चलते कितना लेगा टाइम हमारा। तो दोस्तों ये वही रास्ता है जहाँ पर हम दीनदयाल उपाध्याय पार्क से अंदर की ओर आए और अभी वहीं से जो है कि वापिस भी जा रहे हैं। आज यहाँ पर दोस्तों अंजलि की बहन रितु जो है कि अपनी बर्थडे पार्टी दे रही है, जो कि इसका बर्थडे पता नहीं कब है लेकिन पार्टी आज ही कर रही है। और यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लगी है ना, ये यार ये वाली मिठाई कितनी अच्छी हो रही। एक खाना था मैंने क्या गुब्बारे गिन पहले एक सेकंड में सारे गुब्बारे गिन के दिखा भाई। कितना? 35। आपको मिलता है पूरी मिठाई का ये ट्रे उठा के ले जा। ये वाला लड्डू बड़ा प्यारा लग रहा है यार दोस्तों। ये दोस्तों अभी बजने वाली है 5 और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हल्की हल्की धूप अभी तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुछ घंटे के बाद या फिर कुछ मिनट बाद धूप चले जाएगी तो उसके बाद खतरनाक वाला ठंडा पड़ जाएगा। सुबह से शाम तो इतना खतरनाक वाला ठंडा पड़ रहा है कि क्या ही बताएं आपको। आज तो मेरा इतना खतरनाक वाला सर दर्द हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। दिन में मैं थोड़ा नहा ही धोई और बाहर में आई नहीं धूप पे, आज खतरनाक वाला सर दर्द हो रहा है। क्या बताएं दोस्तों,
और ना आज यहाँ से जो है कि लाउड स्पीकर में पांडव की नाचने की आवाज़ें आ रही है। मतलब यहाँ से थोड़ा पास में उधर साइड, यहाँ से तो नहीं दिखेगा खैर, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर हवाई पट्टी से ऊपर जिस रोड पे मैं जाती थी, तो वहाँ पर जो है कि आजकल पांडव लीला हो रही है पनाई गांव में। तो वहाँ का शायद लाउड स्पीकर चारों तरफ से लगा रखा उन्होंने, तो शायद उसका साउंड आ रहा है। अभी दिन में हल्का हल्का, रात के टाइम पे भी आ रहा था, तो शायद वहीं से आ रहा है। और ये वाला जो महीना है शायद वो पौष का महीना है, पौष का महीना। तो इस महीने में जो है कि पहाड़ों में, यानी कि उत्तराखंड में जो पहाड़ी कल्चर है, ये गढ़वाली कुमाऊँ जो भी है, तो इस महीने जो है कि लोगों के घर में पूजा पाठ होती है, पांडव लीला भी होती है, कहीं किसी के भैरव देवता हैं जो वो नाचते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है ये। और जो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो पौष का महीना होता है उसके टाइम पे जो महिलाएं या फिर कुछ लड़कियां जो शादीशुदा होती हैं वो अपने मायके भी जाती हैं, तो इस महीने ऐसे कार्य बहुत देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर वाला जो नारंगी का पेड़ है, इस पे तो आपको एक भी नारंगी नज़र नहीं आ रही होगी, और मैंने इस वाले पेड़ की नारंगी चखी भी नहीं है, एक भी नहीं। और जो बगल पे वो वाला पेड़ है उसमें है कुछ नारंगियाँ बची हुई, वहाँ पे आप ऊपर से देख सकते हैं। कुछ हमने जो है कि देहरादून भेज दी थी, और कुछ ये वाला, ये तो खैर इसमें तभी कुछ हो ही नहीं रखा है, उस वाले पेड़ में बच रखी है नारंगी कुछ कुछ। तो वहाँ उस वाले पेड़ की तो मैंने देख रखी है कि कैसी होती है, तो वो थोड़ा खट्टी मिट्टी होती है, पर इसकी मैंने नहीं देखी यार। मैं सोच रही थी कि इसमें होगी एक तो मैं खाऊंगी, लेकिन ये तो पूरा का पूरा खाली पड़ रखा है।